देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के नाम संबोधन में वैक्सीनेशन को लेकर तीन बड़े ऐलान किए। इन ऐलानों के मुताबिक एक सप्ताह बाद नए साल में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। पीएम ने इसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स और बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज के नाम से बूस्टर डोज लगाने का ऐलान किया। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। कोरोना वॉरियर्स को मिलेगा वैक्सीन का बूस्टर डोज। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह पर लगेगा प्रिकॉशन डोज। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रात करीब 9:30 बजे ट्वीट करके जब जानकारी दी कि पीएम राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, तभी इस बात की अटकलें लगने लगी थी कि पीएम कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। करीब 15 मिनट बाद जब पीएम ने राष्ट्र को संबोधित किया तो ये बात सही साबित हुई। पीएम ने कोरोना के और विशेष रूप से इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे का जिक्र किया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है, भारत में भी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने को लेकर किया। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि सरकार का ये फैसला कोरोना के रोकथाम में काफी मददगार साबित होगा। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। भारत में शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में अभी तक 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाने की देश में लंबे समय से मांग की जा रही थी। अंत में बच्चों पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर हुए परीक्षणों के बाद सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत करने का ऐलान किया। सरकार के इस ऐलान के बाद देश के करीब 7,41,00,000 बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने साफ किया कि देश में जारी वैक्सीनेशन कैंपेन के दौरान अभी तक देश के 90% वयस्क लोगों को वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग चुका है। आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में तो पहले डोज का 100% लक्ष्य भी हासिल किया जा चुका है। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। जाहिर है
कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ जारी जंग में देश काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और अब बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाने से कोरोना से बचाव की दिशा में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद बन गई है। टीम पीएम मोदी ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए तो वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने का ऐलान किया ही। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोरोना वॉरियर्स और बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज शुरू करने का भी ऐलान किया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि कोरोना के खिलाफ जंग में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए सरकार ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के दायरे में लाने के साथ ही कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की सुरक्षा के लिए बूस्टर डोज शुरू करने का भी ऐलान किया। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर कोरोना मरीजों की सेवा में काफी समय बिताते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बुजुर्गों के लिए भी बूस्टर डोज शुरू करने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि बुजुर्गों को बूस्टर डोज उनके डॉक्टर की सलाह के बाद ही दिया जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। पीएम के संबोधन से साफ है कि नए साल के पहले सप्ताह में 3 तारीख से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगना शुरू होगा और दूसरे सप्ताह में 10 तारीख से कोरोना वॉरियर्स के साथ ही बुजुर्गों को कोरोना का बूस्टर यानी प्रिकॉशनरी डोज लगना शुरू हो जाएगा। पीएम के इस ऐलान के बाद 15 से 18 साल के 7,41,00,000 बच्चों को कोरोना का टीका लगेगा। इसी तरह करीब 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगेगा, जबकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित 3,16,00,000 बुजुर्गों को कोरोना का बूस्टर डोज लगेगा। इस तरह से वैक्सीनेशन के इस चरण में 13,57,00,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ किया कि कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी तभी मिल सकती है जबकि वैक्सीनेशन के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी ढंग से पालन किया जाए। कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी साफ कर दिया कि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, इसलिए सावधानी काफी जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। जाहिर है कि जिस तरह से कोरोना का वायरस नए वेरिएंट का रूप लेकर खतरा बन रहा है, वैसे में टीकाकरण के साथ ही सावधानी बरतना भी काफी जरूरी है, वरना इस बीमारी से बच पाना काफी मुश्किल हो सकता है। टीम